बचपन में तो देसी स्कूल में था, लेकिन मेरी मदर ने बहुत झगड़े कर करके मेरे फादर से हमें कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया था। वो जल्दी मतलब आई थिंक प्रेप में सीनियर जूनियर केजी में हमें डाल दिया गया था। एंड हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि आप फोर्थ क्लास तक जब आएंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। तो आपके दोस्तों को ये बोलते कि फोर्थ में आओ ना, मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। तो फोर्थ क्लास में अभी तक आई नहीं है, आई एम स्टिल वेटिंग। मैं हिंदी में सोचता हूँ और हिंदी में ही मैं अंग्रेजी में कभी सोच नहीं पाया। हॉलीवुड फिल्म में करता हूँ लेकिन अंग्रेजी में कभी सोच नहीं पाया, नहीं सोच पाऊंगा। इंडस्ट्री में जब आया था तब बहुत ऐसे रिएक्शन आते थे अपने बहुत ही क्लोज जो दोस्त हैं वो भी, कि यार जब तक कि तुम यू डोंट बिलोंग टू अ क्लास ना, ये काउबॉय जब तक तुमसे झांकता रहेगा ना तब तक तुम्हें इंडस्ट्री रिएक्ट करेगी नहीं। लेकिन आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट, जिस तरह की फिल्म मैंने शुरू की थी वहाँ से मेरा सफर भूषण जी तक जो है अपने आप में मेरे लिए इट्स एन अवार्ड, इट्स काइंड ऑफ साइन कि भूषण जी वांट्स टू डू फिल्म विद मी। इट्स अ म्यूजिकल फिल्म, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। इट्स गिव यू अ सेंस ऑफ जर्नी, इट गिव यू अ सेंस ऑफ यू नो दैट यू आर रीचिंग समवेयर। इसीलिए तो फिल्म बनाई है, इसीलिए सब्जेक्ट इतना आपको हिट करता है कि यार ये हमारी एक तरह से मेंटल स्टेट है, ये एक हमारे खून में बैठ गया है, मतलब हमारे साइकी में घुस गया है कि अगर हिंदी का कोई प्रोनंसिएशन गलत हो गया तो आदमी बेकार हो गया। और हमारी फिल्म में इस बात को एम्फसाइज किया गया है एंड बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने डील किया है। और ये हमारी साइकी है कि अगर अंग्रेजी थोड़ा सा अगर प्रोनंसिएशन गलत है तो आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसकी सोच में कुछ कमी है। तो ये हमारी मानसिकता है और आई थिंक जितना हम अपने आप की कदर कर सके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सके, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल और था कि बदले हुए हालात में क्या ऐसा माना जाए कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं सबा कमर इस फिल्म में वो प्रमोट नहीं कर पाएंगी, और ये कितना अनफॉर्चुनेट है आप लोगों के लिए अगर वो प्रमोट नहीं कर रही हैं फिल्म को? ये आपको लगता ही है कि अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं आ सकती हैं हालात ऐसे? अब उसके बारे में आप भी यू नो आप भी समझदार लोग हैं, आप खुद रिएक्ट करिए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये फिल्म में। आपको ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ अ बिजनेस टाउन और एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंसान की कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर के जो गुण हैं उसको उसको फ्लरिश करने के लिए होनी चाहिए, पर्सनालिटी को ओपन अप करने के लिए होना चाहिए, उसको इवॉल्व होने के लिए होना चाहिए। बट हमारी एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर एक सिस्टम में किसी तरह से ये आदमी काम आ सके उसके लिए होती है। आपकी एजुकेशन जो है वो लोगों को किसी के लिए किसी कॉरपोरेट में जाके फिट हो सके, उसके काम आ सके, उसके लिए है एजुकेशन। एजुकेशन के सही मायने मेरे लिए इंसान का इवॉल्व होना है, उसके अंदर जितने गुण हैं उसका फ्लरिश होना होता है। इरफान, आपको जब स्क्रिप्ट मिली थी तो ये हिंदी में मिली थी या इंग्लिश में मिली थी? हिंदी में ही मिली थी भाई साहब, और मेरा इसमें बहुत बड़ा करने का एक बड़ा रीज़न जो है वो दिनो है। मुझे पता था कि जिस तरह से पोजीशन करते हैं फिल्म को, जिस तरह से ये उसको संवारते हैं, जिस तरह से लेके आते हैं, और वो उस पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। और मेरा बहुत बड़ा रीज़न एक करने का एक रीज़न ये था, एक वजह ये थी कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, कई सालों से सोच रहा था कि यार हम फिल्में बनाते हैं बच्चों की, ऐसी फिल्में नहीं बनाते कि जहाँ परिवार आके देख सके, जहाँ फैमिली आए, बच्चे भी आए और दोनों एंजॉय कर सकें। ये हॉलीवुड बहुत अच्छी तरह से करता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो ये इस फिल्म में बहुत पॉसिबिलिटी थी कि
बच्चे देखें और पेरेंट्स भी साथ में आए और दोनों को मजा आया। एंड आपको कभी तकलीफ हुई अपने बच्चों के एडमिशन के लिए असल जिंदगी में कभी? मैंने उस तरह का स्कूल चुना ही नहीं भाई साहब, मैंने बिल्कुल वो कन्वेंशनल स्कूल चुना ही नहीं।